भारत ने अपने तीसरे चंद्रयान मिशन से इतिहास रच दिया। अब बारी है सूरज पर फतेह की तैयारी। जी हां, हम बात कर रहे हैं इसरो आदित्य L1 मिशन की। आने वाले कुछ ही वक्त में आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। इसमें सूरज के कोरोनल मास इजेक्शन को स्टडी किया जाएगा, यानी इस मिशन के जरिए सूरज से निकलने वाले आग की लपटों पर रिसर्च की जाएगी। सूरज पर होने वाले अलग अलग रिएक्शन के चलते अचानक ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। इसका तमाम सैटेलाइट्स पर भी असर पड़ता है। मिशन का नाम आदित्य L1 रखा गया है। इसमें आदित्य सूरज का दूसरा नाम है और L1 एक ऐसी कक्षा है जो सूरज और पृथ्वी की ऐसी दूरी होती है जहाँ दोनों का गुरुत्व और आकर्षण शून्य रहता है। यानी न तो सूरज की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच सकती है, न पृथ्वी की। L1 को लैग्रेंजियन पॉइंट कहा जाता है। ऐसे 5 पॉइंट हैं, लेकिन L1 एक ऐसी जगह है जहां से सूरज को आसानी से स्टडी किया जा सकता है, जहां दोनों ग्रहों की ग्रेविटी खत्म हो जाती है। इस पॉइंट की पृथ्वी से कुल